नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर, इंडी मसाला। 9 जनवरी 2022 की शाम और इंडी मसाला पॉडकास्ट, जिस पे हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की। अवेकनिंग, ऐसे सवाल जो अक्सर हमारी बातचीत में, हमारे जीवन में हम पूछते हैं, कभी कभी पूछ लेना चाहिए। जैसे क्या आपको कोई एक ऐसा इंसान मिला है जिसने ऐसा बोला कि उसकी जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आई? मुझे नहीं मिला। हर इंसान को उसकी जीवन और उसकी जीवन में होने वाली घटनाएं बड़ी यूनिक लगती हैं, और हर इंसान को ये लगता है कि उसकी लाइफ की जो स्ट्रगल है वो बाकी लोगों से अलग होती है, और वो एक बड़ा यूनिक सिचुएशन झेल रहा है अपने जीवन में। बट समानताएँ बहुत होती, और अगर आपने किसी के दुखती रग पे हाथ रख दिया तो आप घंटों उनके दुख और उनकी जो सो कॉल तकलीफ है उनको सुन सकते हैं। तो इसी के ऊपर मैं आज थोड़ी सी सोच। जीवन कई बार ऐसे क्षण, ऐसे मुकाम लेकर आती है कि आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रही है। ऐसे ही एक मुकाम पे एंथनी बोर्डेन ने खुद को पाया। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में उनकी किताब की जिक्र हुई थी, बोर्डेन इन स्टोरीज, रिटन बाय लॉरी वुल एवर, जो उनकी बहुत सालों तक असिस्टेंट रही थी। तो जो लोग एंथनी बोर्डेन को जानते हैं वो समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज जो श्रोता उनको नहीं जानते हैं, एंथनी बोर्डेन वेरी अक्लेम्ड शेफ, टीवी पर्सनालिटी, बहुत सारे सीरियल्स हैं फूड रिलेटेड उनके, आपको डिस्कवरी से लेकर के CNN और बाकी हर जगह मिल जाएंगे। ऑथर भी हैं, उनकी एक काफ़ी फेमस किताब थी। तो जब ही जून 2018 में एंथनी बोर्डेन कमिटेड सुइसाइड इन पेरिस, तो उसके बाद एक धक्का सा लगा, एक सोच आई कि इतना सक्सेसफुल, इतना पॉपुलर, इतना खुश दिखने वाला इंसान खुद को कैसे मार सकता है। और उनके आसपास के लोग भी उतने ही परेशान थे, बिकॉज नोबडी सॉ इट कमिंग कि इतना सक्सेसफुल आदमी क्यों सुइसाइड करना चाहे। आफ्टर दैट मैंने किंडल पे उनकी किताब डाउनलोड की, किचन कॉन्फिडेंशियल्स, और पढ़ा उसको। सो काफ़ी समझ में आया उनके जीवन में उस समय इनिशियल फेजेस में क्या चला। अभी जो लॉरी ने जो किताब लिखी है उसमें शी हैज़ टॉक टू 91 पीपल हु वर क्लोज टू एंथनी बोर्डेन, और उनकी जो मेमोरीज हैं उसको उन्होंने डिस्टिल किया है। हालांकि जो एक्सर्प्ट्स हैं उनमें बोलना है कि बहुत कम लोगों को आइडिया था कि एंथनी इतनी तकलीफ से अपने जीवन में गुजर रहे हैं। तो किताब थोड़ा ही सुना है और आगे सुनेंगे, ऑलमोस्ट 8-10 घंटे की किताब है, तो बताएंगे आपको बाद में क्या गुजरा उनके जीवन में। बट एक ख्याल तभी आ गई कि ये जो बोझ है जीवन, ये बोझ है साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो मैं किसी भी तरह से आपकी जो जीवन में जो तकलीफें हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसको कम करके आंकने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आई एम इन नो पोजिशन टू नो What struggles you go in your life, but कुछ pointers हैं जो शायद आपकी मदद कर सके। क्योंकि मुझे कई बार अपने जीवन के बड़े डिफिकल्ट से क्षण में, जहाँ पे आदमी की थॉट सुइसाइडल भी हो जाए, वहाँ भी कभी कभी इन विचारों ने, इन चीज़ों ने वापस मेरे को लेके आया। और ये नॉलेज बॉम्ब्स जो अभी ड्रॉप होने वाले हैं, इसमें एक इंसान का बहुत ही टिपिकली नाम लेना चाहूँगा, काफ़ी दिनों से उनको फॉलो कर रहा हूँ, नाम है उनका नवल रविकांत। और उनकी एक चीज़ ने मुझे ट्रिगर कर किया कि हम जो इतनी लाइफ को, अपने जीवन को इतनी सीरियस ले लेते हैं, क्या 200 साल बाद कोई हमें याद रखेगा? 200 साल बाद तो अभी मैं खुद ही सोचने पड़ेगा कि वसई में चीमा जी अप्पा के अलावा शायद मैं 200 साल, कभी 200 साल उनका नहीं हुआ होगा, शायद नहीं जानता। आप सोचिए ऐसे 200 साल पहले कौन से लोग थे जिनको बड़े हाई रिगार्ड में उस समय रखा जाता था। तो नवल की बात करते हैं। नवल रविकांत US इन्वेस्टर, ऑथर, फाउंडर ऑफ मेनी कंपनीज, और उनके कुछ रूल्स हैं बड़े सक्सेसफुल, सिंपल से। तो रूल नंबर 1, सक्सेसफुल होना और हैप्पी होना दोनों अलग अलग कोहॉर्ट हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप जीवन में ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने आप को उन लोगों के साथ ज़्यादा रखिए जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर आप खुद को ज़्यादा खुश रखना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ ज़्यादा रहिए जिन्होंने आपसे कम सक्सेस पाई है, तो आप खुश रहेंगे। हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट, जीवन में तो कॉन्फ्लिक्ट आते जाते रहेंगे, तो
पहली बात नवल बोलते हैं कि ऐसे लोग के साथ रहिए कम जो कॉन्स्टेंटली किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाते रहते हैं, उनकी एक टेंडेंसी बन जाती है, तो आप बहुत हद तक कॉन्फ्लिक्ट अपनी लाइफ से कम कर पाएंगे। जीवन में तीन ऑप्शन हमेशा आते हैं, याद कीजिए, जीवन में तीन ऑप्शंस किसी भी चैलेंज में हमेशा आते हैं। पहली होगी कि आप उसको चेंज कर दीजिए जो सिचुएशन पैदा हुई है, दूसरी उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और तीसरी उस सिचुएशन को छोड़कर आगे निकल जाइए। तो चेंज इट, एक्सेप्ट इट और लीव इट। द फाइव चिम्प थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी बंदर का जो मिजाज है उसको आप उसके साथ रहने वाले पांच बंदरों के मिजाज को देख करके आप बता सकते हैं। तो आपका मिजाज कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि आप कैसे पांच बंदरों, आई मीन पांच दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, ज़्यादा उनकी ख्यालात सुनते हैं। एक चीज़ जो नॉलेज बॉम्ब मुझे लगी और बहुत बहुत इम्पैक्टफुल लगी इज नवल कहते हैं कि 90% हमारे जो सोच है हमारी वो डर से रिलेटेड होती है, फियरफुल थाट्स होते हैं हमारे, और बाकी 10% डिज़ायर वाले, इच्छा वाले। तो इस 90% फियरफुल थॉट और 10% डिज़ायर वाले थॉट के बीच की जो जगह है शायद वही इनलाइटनमेंट, शांति, निर्वाणा की जगह होती है। सोचिएगा इसके बारे में। और मैंने अक्सर अपने आप को पाया है कि मैं क्यों डर रहा हूँ, इस डरावनी सोच को क्यों लेके जा रहा हूँ। कट करो, कैंसिल, मूव ऑन। डिज़ायर के ऊपर मैं बहुत ही कमाल की चीज़ उन्होंने बोली कि डिज़ायर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच यू मेक विद योर सेल्फ टू बी अनहैप्पी टिल द टाइम Until you get what you want। तो किसी चीज़ की इच्छा रखना अपने आप से एक अनुबंध करना है कि मैं नाखुश रहूँगा जब तक मुझे वो फलानी चीज़ मिल ना जाए। That is desire। और मेरा सवाल उसके आगे है, what if you get it? तो कई बार आपने जिस चीज़ की बहुत तीव्र इच्छा की है वो आती है और फिर आपके गैराज में लगी रह जाती है। सोचिए, नवल ने ऐसे छोटे छोटे कुछ लॉज बताए जिसको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले बोलते हैं बी प्रेजेंट एबव ऑल एल्स, चाहे जीवन के किस भी क्षेत्र में हो, काम में हो, घर में हो, बच्चों के साथ हो, बी प्रेजेंट, जो कर रहे हैं वही कीजिए, बाकी चीजों पर ध्यान मत दीजिए। डिजायर इज सफरिंग, इच्छा दुख का कारण है, उनका नहीं बोलना है, बुद्ध का बोलना है, बट मुझे भी बहुत पसंद आता है। गुस्सा ऐसा है, गुस्सा करना ऐसा है कि आप जलते हुए कोयले को अपने हाथ में रखे ये सोचकर कि जिस पे गुस्सा है वो सामने आएगा तो फेंक दूंगा, हाथ आपका जलता है। ये भी एक बुद्धिस्ट सेइंग है, बहुत 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 ही पॉपुलर। रीडिंग इज द अल्टीमेट मेटा स्किल, तो जो पढ़ना है, जो लोग पढ़ते हैं, अलग अलग जॉनर की किताबें पढ़ते हैं, नए पॉडकास्ट मीडियम सुनते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, वो कभी आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकते। कंपाउंड इंटरेस्ट इज पावरफुल, तो पैसे बचाने हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाली चीज़ों में लगाइए, जीवन में भी, रिलेशनशिप भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाले होने चाहिए। अर्न विद योर माइंड नॉट योर टाइम, वापस अपने दिमाग से पैसे कमाइए, समय से नहीं। समय से दिहाड़ी मजदूर पैसे कमाते हैं, जीवन भर बहुत कमरतोड़ मेहनत करते हैं, बट अंत में मिलता क्या, आप सोचिएगा, हम जिस घर में बैठे हैं वो किसी मजदूर ने बनाई, बट वो कहाँ रह रहा है आप खुद सोच सकते हैं। टोटल ऑनेस्टी एट ऑल टाइम्स, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल ईमानदार रहना, ईमानदारी से बातें करना। वापस एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो सच बोलते हैं उन्हें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, जो झूठ बोलते हैं उन्हें बहुत कुछ याद रखना होता है। प्रेज स्पेसिफिकली, क्रिटिसाइज जनरली, ये थोड़ा असहमत हूँ इससे, मैं ज़्यादा लोगों को प्रेज करना चाहता हूँ, बट ये वॉरेन बफे कहते हैं और उनके लिए वैल्यूबल है। वॉच एवरी थॉट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सुबह सुबह उठना और किसी चीज़ से डरना, फिर सोचना ये ख्याल आई कहाँ से, इसकी कुछ रूट्स हैं क्या, कुछ इसकी वाजिब कारण है क्या, शायद नहीं है तो हटाइए उसको, आगे बढ़िए। ऑल ग्रेटनेस कम्स फ्रॉम सफरिंग, तो दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने बहुत सफ़र किया तभी वो महान कहेंगे, चाहे वो गांधी हो, कि मंडेला हो, कि मदर टेरेसा हो। लव इज़ गिवन नॉट रिसीव्ड, प्यार हमेशा दिया जाता है, रिसीव नहीं किया जाता, मिल जाए तो अच्छी बात। कुछ और जेम्स हैं जो कि नवल के किताब से और पॉडकास्ट से मिला, कि बोलते हैं कि फ्री एडुकेशन है ना वो इतनी आसानी से इंटरनेट पे अवेलेबल है, खाली खोजी दिमागों की ज़रूरत है जो उसको सीखें और पाएं, उनकी बहुत कमी है। बाकी टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक, फालतू चीज़ों को देखकर समय बर्बाद करना नॉर्मल आदत हो गई है। एक और चीज़ बोलते हैं कि अगर आप खाना, सोचना और पैसे इन्वेस्ट करना जो समाचार में बताया जा रहा है उसके हिसाब से कर रहे हैं तो आप न्यूट्रिशनली, फिनेंशियली और मोरली बैंकरप्ट हो जाएंगे। बड़ी पावरफुल लाइन। देयर आर नो एडल्ट्स,
दुनिया में कोई व्यस्क इंसान आजू बाजू नहीं है, हम सब बच्चे ही हैं, खाली एक्टिंग कर रहे हैं व्यस्क होने की, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है सोचते हैं कि इसको और कैसे अच्छे से कर पाए। तो अगर आपको अपने जीवन की जो सो कॉल्ड बहुत ही भीषण प्रॉब्लम्स हैं, आपको ओवरवेलम करने लग जाए, तो एक पर्सपेक्टिव ख्याल में रखिएगा कि ये जो अर्थ है, जो पृथ्वी जो है, वो सोलर सिस्टम का, सौरमंडल का एक छोटा सा हिस्सा है। ये सौरमंडल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है, जो कि पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। तो उसके हिसाब से, उस की तुलना में हम, मैं एक धूल की कण भी नहीं। तो बेसिकली हम क्या हैं, हम एक छोटे से पत्थर पे रहने वाले बंदर हैं, जो कि सूर्य के, जो भी एक छोटा सा तारा है उसके आजू बाजू चक्कर काटते हैं। एक बहुत ही छोटी सी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें रहते हैं। और जो यूनिवर्स है वो इतनी बृहत, इतनी बड़ी, इतनी जैगेंटिक, स्टैगरिंगली बिग है यूनिवर्स, उसके हम हिस्से हैं। और ये यूनिवर्स भी खुद एक बड़े से मेटावर्स का हिस्सा है। तो हम कुछ भी नहीं। तो ये जो यूनिवर्स है, ये 10 बिलियन साल से है, अगले 10-20 बिलियन साल और रहेगा। उसके कंपेरिजन में मेरी जो आयु है 70-80 साल, अगर जी गया तो बहुत ही एक फायरफ्लाई के चमकने इतनी है। तो फायरफ्लाई जो रात को ब्लिंक करती है ना, तो एक ब्लिंक में हमारी जीवन चली जाती है। तो मेरा काम वो फेड हो जाएगा, मेरा नाम फेड हो जाएगा, मेरे बच्चे फेड हो जाएंगे, मेरे थॉट्स फेड करेंगे, ये पृथ्वी भी एक दिन फेड हो जाएगी, ये सूर्य भी एक दिन फेड हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। और सब कुछ जाता है, ये प्रकृति का नियम है। पूरी की पूरी सभ्यताएं गायब हो गई हैं। हड़प्पा की सभ्यता हो, मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो, सुमेर की सभ्यता हो, मायन सभ्यता हो, क्या हमें पता है सुमेर या माया में रहने वाले किसी एक इम्पॉर्टेंट इंसान की बात या नाम? नहीं, चला जाता है वो सब। तो जब भी आप बहुत ही डीपली वरीड हो जाएं अपनी लाइफ के रिलेटेड सिचुएशन से, तो एक चीज़ जो मैं बचपन से करता आया हूँ वो है कि रात को शांत आकाश में तारों को देखना। बड़ा ही पावरफुल लगता है मुझे, और ख़ासकर जब भी ज़्यादा डीप प्रॉब्लम हो तो किसी एक पे कंसंट्रेट करना। और जब भी आप किसी एक तारे पे कंसंट्रेट करेंगे तो बाकी सारे तारे भी आपकी होराइजन से धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, और आप कनेक्ट कर पाएंगे उस स्रोत से, उस ज्योति से। ख्याल रखिएगा, अगर कोई तारा है तो हमसे हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। तो अभी जो रोशनी उस तारे की मुझ तक पहुंच रही है, झिलमिल सी रोशनी, वो हजारों साल पहले वहां से चली थी। तो आज की वास्तविक समय में वो तारा शायद मर भी चुका हो, कई तारे पहले मर चुके हैं, बट स्टिल, क्योंकि वो 1000 साल दूर हैं, तो उन्होंने 1000 साल पहले जो रोशनी छोड़ी वो मुझ तक पहुंच रही है। खाली ये रियलाइजेशन मुझे मेरे प्रॉब्लम्स को एकदम हल्का कर देता है। फिर ये लगता है, अरे बस मैं अभी तक छोटा सा बंदर हूँ इस पृथ्वी के ऊपर, जो अपने जीवन को इतना सीरियसली लेता है, अपने प्रॉब्लम्स को इतना कंपाउंड इंटरेस्ट से बड़ा बड़ा करके बढ़ाता रहता है। तो किसी भी तरह से आपके जो जीवन में चैलेंजेस है उसको छोटा दिखाने का मकसद नहीं है मेरा, बस एक दृष्टिकोण, एक पर्सपेक्टिव दिखाना है। शायद आपको इनमें से कुछ चीज़ें अच्छी लगें तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक ट्रबल फ्री तो नहीं बोल सकता, स्ट्रेस फ्री वीक की कामना करते हुए आप सबसे आज के एपिसोड से विदा लेते हैं, और मिलते हैं फिर अगले सप्ताह में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।